सियासत में मौके की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कब कहां और क्या बोलना है ये मौके के मुताबिक ही तय होता है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा भी ऐसा ही मौका है। लाखों छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, क्योंकि योगी सरकार छात्रों के गुस्से का रिस्क नहीं लेना चाहती। खुद सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से परीक्षा रद्द करने के फैसले की जानकारी साझा की है, लेकिन विपक्ष इस मौके को भला आसानी से कैसे जाने देगा, वो भी तब जबकि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हैं और मुद्दा एक दो नहीं करीब 50 लाख छात्रों से जुड़ा है। इसलिए राहुल ने योगी सरकार के इस फैसले के बाद सोशल साइट एक्स पर लिखा है, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। यूपी में अब राहुल और अखिलेश की राहें जुड़ गई हैं। मंजिल एक है, इसलिए मिशन भी एक। ऐसे में अखिलेश ने भी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बाद योगी सरकार और बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया। इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी, लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो अखिलेश ने युवाओं के नाम पर अपने इसी पोस्ट में एक और नया मुद्दा छेड़ दिया है। युवा कह रहे हैं कि फीस के नाम पर जो पैसा लिया गया है, कहीं वो भाजपा का चुनावी फंड ना बन जाए, इसलिए अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा रहे लेकिन भाजपा सरकार फीस का पैसा अभी लौटाए और जब कभी दोबारा परीक्षा हो तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से तुरंत फिर से फीस ले ली। जाहिर है 50 लाख छात्रों के लिहाज से अखिलेश ने ही बताया था करीब 2.5 करोड़ वोटरों से जुड़ा मुद्दा है। वो इस तरह की एक अभ्यर्थी का मतलब 5 लोगों का परिवार, इसका मतलब 2.5 करोड़ मतदाता। ऐसे में न सरकार इस मुद्दे को विपक्ष को भुनाने का मौका देगी, न विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।